पहुंचने के बाद हम निकल चुके थे जोधपुर की सबसे चर्चित जगह ब्लू सिटी यानी ब्रह्मपुरी को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्टेशन पर जो है ब्लू सिटी। इन संकीर्ण रास्तों के जरिए हम जाएंगे ब्लू सिटी के अंदर। रास्ता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम ओल्ड सिटी में आ गए हैं। ओल्ड सिटी मतलब जोधपुर का वे अंश जो सबसे पहले यहाँ पे लोग रहते थे और अभी तक रह रहे हैं। ये घर अपनी एक अलग ही वास्तुकला के कारण मतलब बहुत ही ज्यादा चर्चित है टूरिज्म में। ठीक है, ज्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं चाहे फॉरेन से आओ चाहे आउट ऑफ स्टेट से आओ, सबसे पहले ब्लू सिटी देखते हैं और ब्लू सिटी देखने के लिए आते हैं। सिटी में घरों को नीला रंग करने का एक मुख्य कारण भी है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और आपको पता ही होगा कि नीला रंग शांति का प्रतीक है, साथ ही साथ ये घरों को ठंडा रखने में सहायक होता है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे नीला कलर ना किया हो, सब जगह पे नीला कलर किया हुआ है, इसलिए इसको ब्लू हेवन बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे बहुत सारे कैफे वगैरह देखे थे ताकि हमें यहाँ का व्यू मिल सके ब्लू सिटी का। और फिर यहाँ पे कोई कैफे वगैरह खुला नहीं, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है ज्यादातर टूरिस्ट पैलेस। तो यहाँ पे हमने एक अंकल से रिक्वेस्ट किए जो ब्लू सिटी में उनका घर है। फाइनली उन अंकल ने हमें घर पे छत पे चढ़ के शूट करने का परमिशन दे दिया है। अभी हम यहाँ पे आपको वाइब दिखाते हैं, बस सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो आप, यहाँ अलग ही वाइब है भाई। ठंडी चांदनी में ओढ़ू चुनर बांधनी, हाय ओची ठंडी ठंडी चांदनी में ओढ़ू चुनर बांधनी, झूमू जुड़ा खोल के। घर है जिन्होंने परमिशन दी हमें शूट करने की, आंटी दी है, थैंक यू सो मच आंटी। और ये इनका घर है ब्लू सिटी में, लगभग 30-35 साल से यहाँ पे आंटी रह रहे हैं। बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम। हाँ, यहाँ पे की फील ही अलग है नीचे आपके ना, फील अलग है। ब्रह्मपुरी है और इधर कैफे वगैरह सब है। यहाँ पे मूवीज वगैरह की शूटिंग बहुत होती है। तो गाइस जो आपको वो गली दिख रही है यहाँ से सीधा डायरेक्ट वहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पे शुद्ध देसी रोमांस मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे पीछे जस्ट, और बहुत सारी मूवी की वैसे शूटिंग हुई है और खासकर यहाँ पे पूरा गाना शूट हुआ है शुद्ध देसी रोमांस का। घर पे ऊपर चढ़ के शूट कर लिया पूरी ब्लू सिटी का ज्यादातर, और अंकल का और आंटी का और उन भैया का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने हमें शूट करने की परमिशन दी। अगर ब्लॉग देख रहे पक्का हमें सब्सक्राइब भी किया, चैनल भी देख लिया, इसलिए ट्रस्ट मी गाइज इन छोटी गलियों में एक अलग ही तरह का सुकून था, एक अलग ही तरह की वाइब थी। और इस जगह में ये देखकर आश्चर्य में था कि लोग कई सालों से इन छोटे घरों में और छोटी छोटी गलियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। ये जो आप पीछे गली देख रहे हो यहाँ पे ब्लू ब्लू पूरे, ये यहाँ जो गली देख रहे हैं यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की मूवी शूट हुई थी शुद्ध देसी रोमांस, आपने देखी होगी। उसमें एक सॉन्ग भी है, अच्छा मैं क्लिप डाल दूंगा, आप देख लेना। यहाँ पे पूरा वहाँ पे ये जो इतना भी जगह है यहाँ पे सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। कॉलर को बड़े यू चढ़े गिराए गिराए चले मुआ बे लखड़ा, हायर मुआ बे लखड़ा। और यहाँ पे बहुत सारी मूवी की शूटिंग होती है क्योंकि गलियां हैं संकीर्ण गलियां और एक अलग फ्रेम आती है, इसलिए शूटिंग होती है बहुत सारी मूवीज की। ये जो यहाँ से पूरा लोकेशन है यहाँ से शूटिंग होती है मूवीज की बहुत सारी। और यहाँ से अपन ऊपर चलते
टाइम से रह रहे हैं, मतलब काफी टाइम से, ओल्ड टाइम से, इसी ओल्ड सिटी बोलते हैं और ब्लू सिटी भी बोलते हैं। अभी जो नई सिटी है जोधपुर में, वहाँ पे सब घर मतलब वैसे ब्लू नहीं है, और यहाँ पे ज्यादातर घर ब्लू है, और यहाँ पे ज्यादातर घरों का रंग ब्लू, इसलिए ब्लू सिटी है और ओल्ड सिटी भी बोलते हैं। काफी यहाँ जितने भी घर है बहुत पुराने टाइम के है, मतलब इसलिए 90s की दशक की भी काफी मूवी यहाँ पे शूट हो चुकी है। सो गाइस, हमने काफी हद तक ब्लू सिटी एक्सप्लोर कर लिया है यहाँ से, और काफी थक भी गए, अभी शाम हो गई, अलग डिस्टेंस पे जाना, हमें एक लोकेशन पे जा रहे हैं, आपको मतलब अलग ही भाई देगी। भाई मेरा मन तो यूं कर रहा था कि आज का पूरा दिन ब्लू सिटी में बिताऊं, पर वक्त की नजाकत को देखते हुए हमें और भी कई जगहों के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, इसलिए हम चल पड़े हैं एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर ये वीडियो देखकर आपको जरा सी भी खुशी मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना यार। तो हम मिलेंगे जोधपुर के एपिसोड नंबर 3 में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस आउट।